सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो मैं रेडी हो चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ मूवी देखने। मम्मी जा रही नीचे इंडिपेंडेंस डे बनाना है, अपनी फिर सहेली के घर पे जाएगी। और न्यूज़ है, अपडेट, भाई अभी तक सो रहा है, बज रहे 10 और 10:30 का शो है। गाइस निकल पड़े उसे घर पे। अब उसे घर पे जाके भाई, अच्छा मैंने आंटी को कॉल कर दिया, किधर है किधर दादा, मैं जाके देखती हूँ। सोया था भाई, बिंदा सोया है, आधा घंटा बाकी शो के लिए, और यहाँ से दूर 15 मिनट जब हमें जाना है मूवी थिएटर के लिए। आप पता नहीं कितनी जल्दी हम पहुँच पाएंगे, कैसे पहुँचेंगे। एक तो तुम्हें पता है सुबह उसका मैंडेटरी है वॉशरूम जाना, जो पिछले व्लॉग में उसने बोला था कि बिना वो जाए वो उसका शुरुआत होता नहीं है। सो बस चलो देखते, मिलते हैं उससे। अभी भी नींद भरा है इसके मुँह में रहता ना नींद, आँखों में, बस आँखों में नींद है अभी दो भाई। कौन मतलब भूल सकता है मूवी देखने जा रहा है, कोई लड़की जाना रहता ना भाई, रात भर नहीं सोता ये बंदा, इतना डेस्परेट रहता है ये बंदिया। जाना है मेरे को भाई, मेरे साथ आने के लिए। देखो मैं कल 1 बजे सोया। 1 बजे सोया, क्या किया 1 बजे तक? कुछ नहीं, मैं 12 बज गया, 12:30 बज गया, मैं खाना खाते थे। मेरे को इतना एक पता है यकीन, कुछ नहीं लड़कियों से बात नहीं करेगा, है ही नहीं। क्या ही बात करेगा लड़कियों से भाई। प्लान में चेंज हो चुका है, मैं दोबारा घर पर आया स्कूटी उठाने, क्योंकि उसकी स्कूटी उसका भाई लेके गया था भाई। मैं पूरा पसीना पसीना हो गया, उधर गया फिर दोबारा घर पर आया। टाइम क्या रहा है? 10:15, 15 मिनट का रास्ता नापना है स्कूटी से। चलो भाई 10:32 हो रहा है, क्या भगाया मैं, तो कवर अप किया मैंने, मज़ा आ गया, फुल एज राइडर बन के। क्या हुआ, कुछ बोलना चाह रहे हो आप? चलो चलते हैं, मिलते तुम्हें, टाइम पे पहुंचा दिया मैंने। भाई मस्त मूवी था, मज़ा आ गया मेरे को, ये यूनिवर्स देख के मेरे को ज़्यादा मज़ा आ गया, क्योंकि सब मेल कंबाइंड है ना, एक से कंबाइंड सब रिलेटेड इंटर रिलेटेड है। मार्वल हो गया, DC यूनिवर्स हो गया, वैसा यूनिवर्स पहली बार इंडिया में को बहुत सही लगा भाई। वरुण धवन है, अभी अक्षय कुमार भी आ चुका, अक्षय कुमार की एंट्री हो चुकी है एकदम फाड़ू ना अलग। तो भाई जब खाना खाना है, लोग ढूंढ रहे थे क्या टेस्टी खाए, हम दो भाई ढूंढ रहे किस पर प्रोटीन मिलता है। ये तो पहले नॉनवेज ढूंढ रहा, नॉनवेज मैं तो खाता नहीं हूँ, ये खाते हैं, नॉनवेज ही मिला। सेकेंड पनीर शॉर्मा था बट वो बना नहीं आया गैस, फिर अभी पनीर फ्रेंकी खा रहे हम लोग। प्रोटीन ये तो बोल रहा था मेरे को, क्या करो पता, पनीर दे दो, फ्रेंकी का वो सब तुम ही रखो, मसाला वसा सब रखो, सिर्फ पनीर निकाल के दे दो मेरे को भाई। बहुत अलग ही आदमी, प्रोटीन फ्री क्या फ़ायदा भाई। पनीर शॉर्मा पनीर फ्रेंकी, फिर सीधा हम जाएंगे घर पे। सो अभी जिम जा रहे, अपनी बहन को जिम में लेके जा रहा हूँ भाई। उसको जिम में लेके जाना मतलब दिमाग का अलग ही टेंशन है, मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, बस ये नहीं है वो, अभी अपना जर्सी देखा है मैं उसको कि भाई ये पहन के चल, बट चल जिम में, घर से बाहर निकल यार। मेरे को कभी ऐसे बहन मिलेगी जो जिम फिक रहेगी मेरे साथ, जो जिम करेंगे एकदम मस्त। वेटिंग देखते, अभी उसको बड़ी मुश्किल से तैयार तो कर रहा हूँ मैं, आती नहीं आती। चलो हुई कि नहीं तैयार? हाँ डोंट भाई, इसको देखो मैंने अपना जर्सी ला के दिया इधर, अभी कब तक रेडी होगी नो आइडिया भाई, जल्दी रेडी हो जाए बस, फिर जिम से जाएंगे, जिम करेंगे हम लोग। और मेरी बॉडी मिरर में दिख रही उधर, चलो चलो फिर रेडी होकर मिलते हैं। अगर ये रेडी को नीचे नहीं आई तो भाई इसका मैं इंस्टाग्राम आईडी नहीं दूंगा। आई तो अच्छी बात है भाई, तो मैं दिखाऊंगा मैं कैसे वर्कआउट करते हैं। क्या खाएंगे भाई जिम में जा रहे, क्या खाएंगे मतलब क्या होता है, क्या क्या खाना है तुझे बता। हाँ स्मूथ पियेंगे, मैं नहीं पी रहा, तू ही पीना, मतलब उसको जिम जाना है फिर खाना भी है। चलो मिलते तुम्हें नीचे। चलो पहन के जाएगी मम्मी के जूते। मम्मी तू क्या पहन के जाएगी? लेकिन दे देना उसको अपने जूते। अरे दिया था ना भाई के जूते, ये वाले मेरे जूते नहीं भाई, मेरे जूते नहीं भाई, मैं भी नहीं दे रहा हूं। मम्मी दे, मेरे जूते ला रही है, अपने नहीं लाते। कैसा लग रहा है तुम्हें ये वाले पहन ले? अरे चल खुद ले, क्या मैं चल में लेके जाती हूं। ठीक है, कैसा लग रहा है फिर? इसको?
चलो नहीं 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 जिम में नहीं जिम में जूते कौन खोलता है अरे सब पहनते तू अंदर जा चलो मैं तेरे जिम में ओके भाई इधर से बॉटल में गिर जाए मेरी ठीक है रेडी लिफ्ट तो बाबा ओके जी मैडम जैसा आप बोलो फाइनली जिम कैसा लग रहा है भाई कैसे बेकार लग सकता है इनको जिम पता नहीं भाई ये लोग जिम फिट नहीं है इतना अच्छा मैं जिम में ले गया उसको मैं तो मैं आगे व्यू दिखाऊँ मैं भाई इससे अच्छा अगर हमारे जिम आए फिर तो मर जाइए क्योंकि यहाँ ऐसा वाइब है इतनी इधर का तुम देखोगे पूरा इंटीरियर विंटीरियर ऐसा लगता है भाई करो जिम करो सामने व्यू देख के चलो कार्डियो करते पहले फिर से आज लेग्स करवाऊँगा मैं इसका ऐसा लेग्स करवाऊँगा कल उठ नहीं पाएगी ये ठीक है भाई इसको नेशनल पार्क जाना बंद करना पड़ेगा ये इसको स्ट्रेचिंग करवा कैसे स्ट्रेचिंग कर रही है देखो ये नेशनल पार्क में बुड्ढे लोग करते हैं भाई स्ट्रेचिंग कर प्रॉपर मैं किसको लेके आ गया मैं ऐसा हो रहा है मेरे को अभी ये क्या है इससे क्या स्ट्रेच हो रहा है तेरा हाँ ये थोड़ा चल मैं मान सकता हूँ वैलिड है स्ट्रेच हो रहा है हैं देखो क्या देखते ही है ऐसे वन पीस देखे जो अपना शरीर तोड़ते रहता है ना देखते जिम रेड को पता रहेगा स्टार्टिंग में लाइक डे फील्स लाइक हेल कितना क्या 50 चलो ये बिल्डिंग का जिम थोड़ा छोटा मोटा है लोअर वेट से खुद से करने के लिए हो जाता है सर कैसा लग रहा है फिलहाल के तो पसीना आ रहा है कि नहीं आएगा आएगा चलो फाइनली जिम डन कैसा लगा मैडम जिम करके मज़ा आया अब इसका कल पता चलेगा मज़ा आया नहीं आया अभी तक तो कुछ पता नहीं चलेगा इसको देखते कल तक कैसा रहता है दर्द वर्द रहेगा नहीं रहेगा क्या लगता है दर्द अभी से शुरू हो चुका है इसको कल का मैं बोल रहा हूँ रात को पता चल जाएगा रात को आएगी सोच नहीं दर्द तूने क्या करवाया मेरा पैर नहीं दुख रहा कल कॉलेज है वेरी गुड कल कॉलेज से छुट्टी मतलब चलो मिलते फिर नेक्स्ट टाइम जब ये जिम में आएंगे तब तुमसे तो मैं रोज़ मिलूँगा इसका लास्ट टाइम रहेगा मेरे ब्लॉग्स में आई गेस जिम आएगी डेली अभी हो ही गया था